ये जो स्ट्रेटेजीज मैंने आपको बताई है इन्हें आपको आज से ही फॉलो करना चालू करना है। सो हाय एवरीवन, कैसे आप सभी लोग, साउंड बाय दिस साइड। तो जैसे कि आप सभी ने इस वीडियो का टाइटल और थंबनेल पढ़ ही लिया होगा, ये वीडियो होने वाली है मेरे खुद के क्लास 10th के स्ट्रेटेजी के ऊपर, जो कि मैंने खुद ने यूज की थी मेरे क्लास 10th के प्रिपरेशन के टाइम पे। अब देखो, मैंने खुद ने क्लास 10th के अंदर 90% स्कोर किया था एंड आई एम टोटली प्राउड ऑफ दैट। बट मुझे क्या लगता है कि मैं क्लास 10th के अंदर 90 तो क्या 95-97 आसानी से स्कोर कर लेता अगर मैं ये स्ट्रेटेजी को थोड़ा सा जल्दी फॉलो कर लेता। क्यों? क्योंकि मैंने खुद ने क्लास 10th का प्रिपरेशन दिवाली के बाद से चालू किया था, एकदम सीरियस वाला। बट देखो, आपने इस वीडियो पे अब भी क्लिक किया है, इसका मतलब आप सीरियस हो अपने क्लास 10th को लेके और आप डेफिनेटली अच्छा परफॉर्म करने वाले हो अपने क्लास 10th में। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देख रहे हो, क्योंकि तभी जाके आपका हर एक डाउट क्लियर होगा। वैसे मुझे आप सभी लोगों से एक क्वेश्चन पूछना है, दैट इज क्या आपके माइंड में कभी ऐसा डाउट आता है कि यार कोई एक ऐसी स्ट्रेटेजी हो जिसको हम आज से फॉलो करना चालू कर दे, ताकि बोर्ड एग्जाम में नेक्स्ट ईयर मार्च के महीने में जब हमारी बोर्ड एग्जाम होगी, हमारे माइंड में बिल्कुल भी स्ट्रेस ना हो, हम लोग फुल्ली प्रिपेयर्ड हो हमारे बोर्ड एग्जाम्स के लिए। अब देखो, मेरे माइंड में तो बहुत बार ऐसे डाउट्स आते थे यार कोई एक ऐसा बंदा हो जिसने हमसे पहले बोर्ड एग्जाम दी है और जो रेडी हो हमें बताने के लिए कि हमें क्या करना है, कैसे प्रिपेयर करना है। बट मेरे टाइम पे तो कोई नहीं था, बट आप सभी लोगों के लिए आपके सामने रेडी है। सो मेक श्योर आपको कभी भी कोई भी डाउट आता है, आप सिंपली मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हो या फिर एक कमेंट छोड़ देना, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके डाउट का रिप्लाई देने की। अब देखो, मैंने स्ट्रेटेजी को पॉइंट वाइज डिवाइड कर दिया है ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो। पॉइंट नंबर 1, नो योर सिलेबस। अब आप बोलोगे कि भैया हमें सिलेबस पता तो है, चैप्टर 1 ये, चैप्टर 2 ये, चैप्टर 3 ये है। ऐसा नहीं है भाई, आपको जाके वेटेज देखना है चैप्टर्स के, कि कौन से चैप्टर को कितना वेटेज मिला है। साथ में आपको पेपर पैटर्न भी देखना है कि बोर्ड एग्जाम के अंदर पेपर किस तरह से आते हैं, कितने क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस लॉन्ग फॉर्म में आते हैं, वो आप कैसे देख पाओगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करके। अब आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, पेपर पैटर्न, वेटेज ऑफ चैप्टर्स, साथ में आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का एनालिसिस, सब कुछ इस चैनल पे आने वाला है। सो मेक श्योर आप सब्सक्राइब करके रख रहे हो, साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑन पे क्लिक कर रहे हो, क्योंकि तभी जाके आपको हर एक वीडियो सबसे पहले मिलेगी। 10,000 सब्सक्राइबर्स के बहुत ज्यादा पास में है, जल्दी से शेयर करो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ। अब देखो, एक बार अगर आपको वेटेज और पेपर पैटर्न पता चल गया, आपको उसके बाद में क्या करना है, आपको खुद को एनालाइज करना है स्टडीज के अंदर। अब देखो, ये कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, मैं आप सभी को एकदम इजीली एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपको खुद के स्टडीज को कैसे एनालाइज करना है। पॉइंट नंबर 2, एनालाइज योर स्टडीज। उसके अंदर आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको खुद को देखना है कि आपको कौन से चैप्टर्स करने में ज्यादा हार्ड लगते हैं और कौन से चैप्टर्स आप इजीली समझ जाते हो, कौन से चैप्टर्स आप इजीली कर लेते हो। अब देखो, मेरे टाइम पे क्या था, मुझे साइंस 1 थोड़ा हार्ड जाता था साइंस 2 से। मैंने ये चीज को एनालाइज किया, फिर मैंने साइंस 1 के ऊपर ज्यादा टाइम देना चालू किया, उसके लेक्चर्स लेके मेरे जो कॉन्सेप्ट्स थे वो सारे क्लियर किए और फिर साइंस के अंदर मैंने 90 स्कोर किया। आप भी कर सकते हो इजीली, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, आपको अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ पता होने चाहिए प्रिपरेशन स्टेज के अंदर ही। मैं जब बड़ा भाई आपको ये चीज बता रहा हूँ, मुझे बहुत बाद में पता चला। उसके बाद में बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, दैट इज कंप्लीट योर सिलेबस एज अर्ली एज पॉसिबल। अब ये चीज मैंने खुद ने अवॉइड कर दी थी स्टार्टिंग में पूरी तरीके से, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपका जो सिलेबस है उसे कंप्लीट करो एज सून एज पॉसिबल। अब आप बोलोगे कि भैया हमारे क्लास में तो सिखाया ही नहीं, हमारे स्कूल में तो सिखाया ही नहीं। मैं आपको सच सच बोलूं, आपके सितंबर के बाद में टीचर्स लोग जो भी पढ़ाएंगे ना, आपको सिर्फ भगाया जाएगा, सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा, आपको उससे पहले अच्छे से पढ़ना है। बहुत सारे लेक्चर्स अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर, अगर आपको चाहिए तो मैं वीडियो बना दूंगा, एक बार कमेंट कर देना। लेकिन आपको अपने सिलेबस को जल्द से जल्द कंप्लीट करना है, क्योंकि उसकी वजह से आपको ज्यादा टाइम मिलेगा रिवीजन के लिए, और जो अच्छे से रिवीजन करेगा वही बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करने वाला है। ये बात आप लिख के भी ले सकते हो। सो मेक श्योर आप अपने सिलेबस को जल्द से जल्द कंप्लीट कर रहे हो और रिवीजन अच्छे से कर रहे हो। अब आपको ऐसा नहीं करना है कि आप तुरंत तुरंत कंप्लीट कर रहे हो, आपको कुछ याद ही नहीं है। मैंने मेरे लास्ट वीडियो में बताया था, आप जैसे जैसे नया नया सिलेबस कवर कर रहे हो, आपको पुराने सिलेबस को भी रिवाइज करना है, क्योंकि तभी जाके आपको पूरी चीजें याद रहेंगी, नहीं तो नहीं याद होने वाली है। अब देखो, जैसे आप रिवीजन कर रहे हो, आपको थर्ड पॉइंट अच्छे से फॉलो करना होगा, दैट इज रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ मैथ्स प्लस अच्छे से कंसेप्ट क्लियर रखो अपने साइंस की। मैथ्स और साइंस दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि आपकी हेल्प करेंगे अपने परसेंटेज को बूस्ट करने के लिए। आप एक बार खुद कैलकुलेशन करके देखना, इसीलिए आपको डेली प्रैक्टिस करनी है मैथ्स के सम्स की, जो कि मैंने खुद ने भी की थी। साथ में आपको साइंस के सब्जेक्ट को रेगुलर बेसिस पे पढ़ना है,
बहुत बार होता क्या है, हम लोग भूल जाते हैं हमने जो भी पढ़ा था। इसीलिए आपको ये वाले ट्रैप में तो नहीं फंसना है, डेली प्रैक्टिस करनी है मैथ्स की साइंस की। एक बार आपकी टेक्स्ट बुक हो जाए आपको नेक्स्ट क्या करना है आपको आने वाले वीडियोस में पता चल जाएगा। और अगर आपको मेरा ये वाला पॉइंट क्लियरली समझ में आ चुका है, आपको अभी कभी कमेंट करना है यस आई एम रेडी टू क्रैक माई बोर्ड एग्जाम्स स्मार्टली। मैं समझ जाऊंगा कौन कौन इस वीडियो को यहां तक देख रहा है और अपने बोर्ड एग्जाम्स को लेके सीरियस है, होना सीरियस। अगर आपको अच्छे परसेंटेज चाहिए क्लास 10th के एग्जाम में, आपको लैंग्वेजेस को गलती से भी नहीं भूलना है। बहुत सारे लोग करते क्या है, वो लैंग्वेजेस को पूरी तरह से अवॉइड कर देते हैं कि यार बाद में पढ़ लेंगे, एग्जाम के एक दिन पढ़ लेंगे। आपको ऐसे नहीं करना है। लैंग्वेजेस के जो सब्जेक्ट हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके क्लास 10th के रिजल्ट के अंदर। अब लैंग्वेजेस में क्या क्या आ गया, मेन तो है हिंदी, इंग्लिश, मराठी। बाद में आपके जो सब लैंग्वेजेस होंगे उनकी बात अलग है, बट ये जो 3 लैंग्वेजेस है इनके ऊपर आपको एकदम अच्छे से फोकस रखना है, इनका ग्रामर अच्छे से करना है, राइटिंग स्किल्स के ऊपर मेन फोकस रखना है, साथ में टेक्स्ट बुक अच्छे से रीड करनी है, क्योंकि तभी जाके आप लैंग्वेजेस के अंदर अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे। और ये जो स्ट्रेटेजीज मैंने आपको बताई है इन्हें आपको आज से ही फॉलो करना चालू करना है। कौन से स्ट्रेटेजीज हैं साथ में रिवाइज करते हैं। सबसे पहली स्ट्रेटेजी, आपको वेटेज जानना है, सारे पेपर्स का पेपर पैटर्न जानना है, साथ में खुद के वीकनेसेस और स्ट्रेंथ को जानना है, क्योंकि तभी जाके आप अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे अपने हर एक एग्जाम के अंदर। आपको डेली प्रैक्टिस करनी है मैथ्स की, साथ में साइंस को रेगुलरली पढ़ना है, हर एक सब्जेक्ट को रेगुलरली पढ़ना है, और फिर आपको रिवीजन अच्छे से करना है थ्रू आउट द ईयर। ऐसे मत सोचना कि मैं जनवरी से रिवीजन चालू करूंगा, फरवरी से रिवीजन चालू करूंगा, नहीं, आप जो भी पढ़ रहे हो उसको साथ के साथ रिवाइज करते रहो ताकि आप उसे भूलो नहीं। एंड द 5th पॉइंट, लैंग्वेजेस के ऊपर अच्छे से फोकस रखो, क्योंकि मैंने खुद ने ये वाले पॉइंट्स फॉलो किए थे एंड दे हैव लिटरली हेल्प मी इन माय बोर्ड एग्जाम्स। एक बोनस पॉइंट बताऊं, अपना जो फ्रेंड सर्कल है उसको थोड़ा सा चेंज करो और आपके क्लास के जो टॉपर्स हैं उनके साथ बैठना चालू करो। आपको लिटरली पता चल जाएगा कि आप किस लेवल पे हो और वो किस लेवल पे हैं। और आपको आने वाले वीडियोस किन टॉपिक्स के ऊपर चाहिए अभी का भी कमेंट करो। टिल दैट टाइम ये वीडियो को शेयर करो अपने हर एक फ्रेंड के साथ ताकि उनकी भी हेल्प हो क्लास 10th के प्रिपरेशन में। एंड यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।